नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ईडी ने एक स्वतंत्र पोर्टल न्यूज क्लिक के दफ्तर, उसके संपादक और प्रमुख सहयोगियों के घरों पर छापे मारे। इस लोकप्रिय पोर्टल से पत्रकार अभिसार शर्मा का ताल्लुक है। उनको 2018 में एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। पत्रकार के लिए खबरें देना अपराध है, लेकिन पुलवामा और बालाकोट की गोपनीय जानकारी रखने वाले अर्नब की तरफ देखना भी नहीं। न्यूज क्लिक समाचार पोर्टल पर फासिस्ट सरकार के छापे बता रहे हैं कि इसे अपने खिलाफ उठने वाली हर वो आवाज पसंद नहीं है जो उनकी गोद में नहीं बैठा हुआ है। हालांकि कहा तो ये फासिस्ट सरकार इसे आंदोलनजीवी लोगों का महत्वहीन मीडिया मानती है और कहा वो इतना डरती है कि छापे डलवाती है। न्यूज क्लिक, जनचौक, दिवायर, स्क्रॉल जैसे पोर्टल सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद भी ऐसे ही पोर्टल और स्वतंत्र रूप से यूट्यूब चैनल चला रहे पत्रकारों से है। ना जाने कितने बेहतरीन पत्रकार गोदी मीडिया की बाढ़ में बह गए होते अगर ऐसे निडर पोर्टल मंच ना उपलब्ध कराते। फास्टिस्ट सरकार ने पहले दी वायर के संपादक के खिलाफ और अब न्यूज क्लिक के संपादक को निशाना बनाया है। सभी पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स को इस सरकारी बदमाशी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये एक एक कर सबका नंबर आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 5 महीने की मासूम तीरा कामत मुंबई के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। तीरा को एक SMA टाइप 1 दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज अमेरिका से आने वाली जोलजेनेजमा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। विदेश से आने वाला ये इंजेक्शन करीब 16 करोड़ रुपए की कीमत है। इस इंजेक्शन पर भारत में 6 करोड़ रुपए इंपोर्ट ड्यूटी और GST बनता है, जिससे इसकी कुल कीमत 22 करोड़ रुपए की हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का 5 महीने पहले जन्म हुआ था। जन्म के समय बच्ची ठीक थी। कुछ महीने बाद अचानक तीरा को माँ का दूध पीने में दिक्कत होने लगी। दूध पीते वक्त उसका दम घुटता था और एक आध बार कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें भी थम गई। पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने के दौरान भी जब उसे इसी तरह की दिक्कत हुई तब खतरे का अंदाजा लगा। इसके बाद तीरा को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे SMA टाइप 1 नाम की दुर्लभ बीमारी है। SMA टाइप 1 बीमारी के कारण बच्चे के शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन भी मौजूद नहीं था, जिससे मांसपेशियां और तंत्रिकाएं जीवित रहती हैं। इसी वजह से कि उसके शरीर की तंत्रिकाएं निर्जीव होने लगी थी, दिमाग की मांसपेशियां भी निर्जीव होने जा रही थी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तीरा के माता पिता प्रियंका और मिहिर को डॉक्टर ने जब इस बारे में बताया तो वह सन रह गए। डॉक्टरों ने इन्हें इसका इलाज के बारे में बताया तो जो उनकी पहुंच से बाहर था। इस बीमारी का इंजेक्शन अमेरिका में मिलता है। डॉक्टरों ने जब इंजेक्शन की कीमत तीरा के माता पिता को बताई तो वह सुनकर सत्ते में आ गए, लेकिन मिहिर और प्रियंका ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दंपति ने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और इस पर क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। यहाँ अच्छा रिस्पांस मिला और अब तक करीब 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। इस बीमारी की कारगर दवा जोलजेनेजमा पर 23% आयात कर और 12% GST लगता है, जिससे इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए हो जाती है। टैक्स माफ करवाने के लिए दंपति ने महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई। देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ये छूट दे दी गई है। इसकी जानकारी भी देवेंद्र फडणवीस ने ही की ओर से दी गई है। जल्द ही इंजेक्शन भारत लाया जाएगा, जिससे तीरा को नई जिंदगी मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के हक में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इलाज के दायरे को सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स CGHS पैनल के बाहर के अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं। ये पूरा मामला बड़ा पेचीदा है। केंद्र सरकार के एक रिटायर कर्मचारी ने एक मेडिकल बिल के भुगतान की मांग की थी, लेकिन सरकार मेडिक्लेम देने से इनकार कर रही थी, क्योंकि पेंशनर ने CGHS पैनल के बाहर अस्पताल में इलाज कराया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में CGHS पैनल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मेडिक्लेम मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारी
और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि गंभीर बीमारी की इलाज की स्थिति कई बार मरीज को सीजीएचएस के पैनल के बाहर निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। अब ऐसा कोई भी मामला मेडिक्लेम पाने का हकदार होगा। सीजीएचएस को हिंदी में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। पिछले तकरीबन 60 सालों से इस योजना का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जल्द फैसला ले सकती है, क्योंकि डीए में इजाफे की खबर से तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सरकार ने कहा था कि पहले ये 17% का ही हिसाब चला आ रहा है, उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की आस जगी है और पूरी आस है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार खुश कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फास्टैग के जरिए ये टोल प्लाजा पर भुगतान 15 फरवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग खाते में अनिवार्य थ्रेशोल्ड अमाउंट को हटाने का फैसला किया है। ये यूजर के लिए पैसेंजर सेगमेंट व्हीकल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के अतिरिक्त भुगतान करना आवश्यक था, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसकी घोषणा करते हुए एनएचएआई ने बुधवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य तेजी से फास्टैग की पहुंच को बढ़ाना है, जिससे बिना किसी रुकावट के यातायात सुनिश्चित हो सके और टोल प्लाजा पर होने वाली देरी में कमी आए। विज्ञप्ति में कहा गया है कि फास्टैग जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा फास्टैग अकाउंट बैलेंस में न्यूनतम रकम रखना अनिवार्य कर रहे थे। अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा न्यूनतम रकम रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। पहले कई फास्टैग यूजर को अपने फास्टैग अकाउंट बैलेंस में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी। इससे चलते टोल प्लाजा पर देरी और नोकझोंक होती थी। अब ये फैसला लिया गया है कि अगर अब फास्टैग अकाउंट बैलेंस नेगेटिव नहीं है तो यूजर को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। 2.54 करोड़ से अधिक यूजर के साथ फास्टैग कुल टोल कलेक्शन में 80% योगदान देता है। फास्टैग के माध्यम से डेली टोल प्लाजा 89 करोड़ रुपए को पार कर सक गया है। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर फास्टैग स्टिकर नहीं लगवाया है तो इसे जल्द लगवा लें। आप इसे पेटीएम, अमेजोन, स्नैपडील आदि से खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसे देश के 25 बैंकों के जरिए भी खरीदा जा सकता है। साथ ही इसकी बिक्री सड़क परिवहन प्राधिकरण ऑफिस में भी मिलती है। एनएचएआई के अनुसार फास्टैग की कीमत 200 रुपये है और इसमें आप कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खालिस्तान पाकिस्तान से संबंधित 1178 अकाउंट बंद करने के आदेश पर ट्विटर व केंद्र सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी को स्पष्ट कहा है कि उसे भारतीय कानून का पालन करना ही होगा। साथ ही ट्विटर की मनमानी के खिलाफ कई राजनेता, नौकरशाह व अन्य ट्विटर छोड़कर स्वदेशी ऐप ऊपर जा रहे हैं। ट्विटर ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ अकाउंट पर भारत में रोक लगाई है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ अकाउंट को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और मीडिया के अकाउंट को बंद नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से देश के कानून के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के साथ वार्ता से पहले ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित करने के ट्विटर के कदम को सरकार ने असामान्य कर दिया है, जबकि मुलाकात का वक्त कंपनी ने ही मांगा था। कंपनी ने कहा कि वह अपने यूजर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना जारी रखेगा और उसके लिए वह सक्रिय रूप से भारत और कानून के तहत विकल्प पर विचार कर रही है। सरकार ने आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। सरकार के निर्देश पर अपना रुख साफ करते हुए ट्विटर ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री कम नजर आए इसके लिए उसने कदम उठाए हैं। इसमें ऐसे हैशटैग को ट्रेंड करने से रोकना एवं खोजने के दौरान इसे देखने की अनुशंसा नहीं करना शामिल है। ट्विटर ने कहा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेशों के तहत 500 से अधिक अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने 1178 अकाउंट की एक अन्य सूची कंपनी को सौंपी थी, जिसमें खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े होने का शक था।
इसमें से 583 को निलंबित किया गया है, साथ ही करीब 500 और अकाउंट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हालांकि उसने जिन अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है उनकी जानकारी नहीं दी है। कू एक भारतीय कंपनी है जो ट्विटर को टक्कर दे रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पिछले साल ही कू लॉन्च हो गया था। 48 घंटे में 30 लाख ने 30 लाख यूजर ने कू डाउनलोड किया है, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा प्रवक्ता सविता पात्रा, आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीर है। सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी कि अगर उनके आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया तो संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना या 7 साल की जेल हो सकती है। इस बीच ट्विटर की भारत एवं दक्षिण एशिया में सार्वजनिक नीति की निदेशक महिमा कॉल ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिससे उनके जाने की परिस्थितियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कंपनी का कहना है कि कॉल का इस्तीफा इस मामले से जुड़ा नहीं है। देश के करीब 1.3 अरब लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पत्रकार, नौकरशाह, उद्योगपति भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले मोदी सरकार ने कसम खाई है कि साल भर के भीतर चुन चुनकर सरकारी संपत्ति बेची जाएगी। बिक्री के लिए बैंक, गैस, पावर, पेट्रोलियम, बंदरगाह, इंश्योरेंस कंपनी जैसे क्षेत्रों में छांट छांट कर कंपनियां जुटाई गई हैं। चाहे कंपनियां घाटे में चल रही हैं या फिर मुनाफे में, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को महाभारत के योद्धा अर्जुन को दिखने वाली मछली की आंख की तरह सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि वह है ये हर कीमत पर सेल, सेल और सेल। इस बार कंपनी को बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी एक निश्चित गाइडलाइंस के साथ। सरकार ने इतनी सावधानी जरूर बरती है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार लक्ष्य कम रखा है। गत वर्ष सरकारी कंपनियों को बेचकर 2,10,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी ने सब भंड कर दिया। बाद में सरकार ने लक्ष्य को संशोधित करके 32,000 करोड़ कर दिया था। अब अंततः बच बचा कर सरकार 19,499 करोड़ रुपए ही जुटा सकी। सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल पाइपलाइन बेचने जा रही है, वेयर हाउस बेचे जाएंगे, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को बेचने की तैयारी है, एयर इंडिया की बिक्री होनी है, 2 सरकारी बैंक बेचे जाएंगे, देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचा जाएगा, नीलाचल इस्पात निगम भी बिक्री होनी है, पवन हंस बिकेगा, बिजली के ट्रांसमिशन लाइन बिकेगी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन बेची जाएगी, राजमार्ग को बेचा जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेची जाएगी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बिक्री होगी, कंटेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचा जाएगा, आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेची जाएगी। सरकार के मालिकाना वाले लाखों एकड़ जमीन को बेचने या लीज पर देने की फाइल भी तैयार है। और भी बहुत कुछ है जिसे बेचा जाना है। बिक्री का काम वित्त वर्ष 2021-22 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने नीति आयोग को अन्य कंपनियों की भी सूची तैयार करने को कहा है जिसे बेचा जा सकता है। मालूम हो कि पहली बार विनिवेश मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया गया था। अब ये तय किया गया था कि घाटे में चल रही कंपनियां ही बेची जाएगी। उस नारे के 17 साल बाद भाजपा के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अब घाटे की कंपनियां कोई नहीं खरीदना चाहता, इसलिए मुनाफा कमा रही सरकारी कंपनियों को बेचने में कोई हर्ज नहीं है। बच बचा करने के लिए सरकार को संसद में मंजूरी लेनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा और मंजूरी ले ली जाएगी। मसलन LIC की हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। इसी तरह 2 सरकारी बैंकों को बेचने के लिए भी संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। मालूम हो कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बिक्री से सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में सरकारी कंपनियों को बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। इससे 1,00,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शेयर बेचकर आएगा और 75,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यानी CPSE की
बिक्री से आएगा। कई कंपनियां औने पौने दामों पर भी बेची जाएगी। मसलन कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक छोटी सी सरकारी कंपनी है। इसे 1988 में शुरू किया गया था। ये देश की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसके वेयर हाउस और डिपो हर रेलवे रूट, हाईवे, हवाई रूट और जल मार्गों पर हैं। हर साल मुनाफा कमाकर सरकार को देती है, पर सरकार इससे 100% बेचकर मुक्त होना चाहती है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों को बेचने के पीछे सरकार का तर्क है कि बेकार पड़ी संपत्ति या घाटे में चल रही कंपनियां सरकार के ऊपर बोझ है। ये वित्तीय घाटा बढ़ाने का कारण बन रही है। इन्हें बेचने से सरकार को कमाई भी होगी और हर साल होने वाले वित्तीय घाटे को भी कम किया जा सकता है। मीडिया के लिए प्रसार भारती ने फ्री डिजिटल न्यूज सर्विस शुरू की। टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। एनी जोसेफ, सेक्रेटरी जनरल, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, सभार, डेली हंट, डेली होम, भड़ास फॉर मीडिया, धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।